और आपको यह सुनना पड़ेगा आपका जो तानाशाही रवैया है वो मिथिला विश्वविद्यालय में नहीं चलना चलेगा। यह कुल सचिव महोदय छात्र जदयू मिथिला विश्वविद्यालय इकाई द्वारा अध्यक्ष आसिफ कमाल के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में व्याप्त कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के विरोध में उग्र धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसमें मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले चारों जिलों से भारी संख्या में छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। छात्र जदयू के आंदोलन को प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ अशोक कुंवर सिंह, सीनेट मेंबर अंजीत चौधरी, जिला प्रवक्ता कमलेश मंडल, डॉक्टर इमाम साहेब, पूर्व अध्यक्ष मुजम्मिल रजा आजमी, छात्र जदयू जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, वीवी उपाध्यक्ष अक्षत भारद्वाज, वीवी प्रवक्ता मोहम्मद जमशेद ने कहा कि छात्र जदयू सदैव छात्र छात्राओं के हक और मांगों के लिए आंदोलनरत रहे हैं। आई हुई है हमारी पार्टी कोई बरसाती मेढक नहीं है, जो बरसात आई है तो टर-टर करेगी। हम लोग छात्र के हक और हुकूक के लिए दिन रात विश्वविद्यालय कैंपस में उपस्थित रहते हैं। हमारे छात्र नेता विभिन्न जो कॉलेज के अध्यक्ष हैं, जो विभिन्न संगठन पे पद है, वो आपको हमेशा यहाँ मिलेंगे छात्र की आवाज़ को बुलंद करते हुए। आज कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था कि छात्राओं को, दलितों को फीस मुक्त होगा, उनको एडमिशन में कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन यह जो भ्रष्ट फीस है, इसने उस छात्राओं से, उन दलितों से पैसा कमाने का, मोटा पैसा कमाने का काम किया। तो हमारे संगठन एकमात्र ऐसी संगठन है जो उन छात्राओं के लिए, उन दलितों के लिए, उन महादलितों के लिए आवाज़ उठाया और उनका पैसा रिटर्न करवाने का काम किया। ये पावर सिर्फ छात्र जदयू में है। और बता देना चाहते हैं, आप मुद्दे की बात कर रहे थे, यहाँ हमारे विश्वविद्यालय अध्यक्ष ने आपको अनेकों मुद्दे को बताया। यह जो VC हैं, यह जिस दिन से अपना पदभार ग्रहण किए हैं, यह सिर्फ इसको बना लिए हैं अपने अपने बीवी और बच्चे के साथ, चाहते हैं कि विश्वविद्यालय चले। छात्र जदयू ये कभी संभव नहीं होने देगी, ये हम बता देना चाहते हैं। हम ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। अगर आपको छात्र छात्राओं से मिलने के लिए समय नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए, अपना घर जाइए और वहाँ से आप चलाइए, अपना बीवी बच्चा से ऐश करिए, कोई आपको टोकने नहीं जाएगा। अगर आप पद पर रहिएगा तो आपसे सवाल होगा और आपको यह सुनना पड़ेगा, आपका जो तानाशाही रवैया है वो मिथिला विश्वविद्यालय में नहीं चलना चलेगा। यह कुल सचिव महोदय को हम बता देना चाहते हैं। और विश्वविद्यालय के इस VC को एक और बात आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि मोटा पैसा लेकर के जो ही जो जिन पर दागी पदाधिकारियों को जो ये रखे हुए हैं, जल्द विशाल धरना प्रदर्शन विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में कर रही है। उनकी मुख्यभूत समस्याएं जो छात्र और छात्राओं की हैं, जैसे रिजल्ट लगातार विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय में पेंडिंग, प्रमोटेड और एडमिट कार्ड जब जारी होती है तो उस पर फोटो स्टूडेंट के बजाय एक्टर और एक्ट्रेस और नेताओं का आ जाता है। इस पर लगातार डाटा सेंटर को हम लोग अवगत कराते रहे हैं और भाई चांसलर से मिलते रहे हैं, उसके बावजूद रिजल्ट की जो गड़बड़ी है, जो समस्याएं हैं लगातार, वो समाधान नहीं हो रही है। लगातार हम लोगों ने डाटा सेंटर के बारे में कहा है कि डाटा सेंटर अगर मिथिला विश्वविद्यालय का है तो मिथिला विश्वविद्यालय से सुचारू रूप से चले। अगर सुचारू रूप से मिथिला विश्वविद्यालय से चलेगा तो छात्र और छात्राएं जो समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी से दूर दराज से आते हैं, उनकी समस्या तुरंत समाधान होगी। लेकिन ये डाटा सेंटर लखनऊ से सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें महीनों भर रिजल्ट क्लियर कराने में टाइम लगता है और स्टूडेंट दर दर विश्वविद्यालय में भटकते रहते हैं। दूसरा मुद्दा है कि सत्र जब तक नियमित नहीं हो, छात्र संघ चुनाव छात्र जनता दल यूनाइटेड नहीं चाहती है, क्योंकि सत्र नियमित होगा तो लंबे समय तक छात्र नेता जो जीत के आएंगे वो रहेंगे और छात्र छात्राओं की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझकर बुलंद करेंगे और छात्र छात्राओं की समस्याएं का समाधान होगा। कॉलेज जो है हमारी एक गरिमा है जिला की, वो लॉ कॉलेज लगातार बंद है निकम्मी VC के कारण। ये लगातार हम लोग ने आवाज़ उठाए हैं, फिर भी वो बंद है। हम चाहते हैं कि लॉ कॉलेज खुले। छात्र जदयू सभी समस्याओं पर अवगत करा रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो लगातार चरमबंद आंदोलन होता रहेगा। साथियों, बस आंदोलन ही होता रहेगा कि छात्र में लगातार हित में हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार हित में काम कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जो छात्र हित में हम लोगों ने